हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फ़िलहाल आप मेरे होली की तरफ ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं अभी भी सो के उठा हूँ और टाइम हो चुका है 3:15, दिन के 3:15, और बारिश बहुत बाहर बहुत ही बुरी तरह से बारिश लगी हुई है और ये कल शाम से ही हो रही है, इसीलिए आज सोने का मूड बनाया है दिन भर। वाह, क्या बारिश हो रही है! अरे बाप रे, आज कंटिन्यूसली सुबह से इसी रफ्तार से बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए, बारिश किस हिसाब से हो रही है, घरों की छत से इतना पानी टपक रहा है कि पूछिए मत। तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह के दिन के हो गए हैं 3 लगभग, 3:15 3:15 के करीब, और मैं अभी उठा हूँ और अभी बाहर निकला हूँ सुबह से। सुबह एक बार निकला था, उसके बाद फिर से सो गया था और अब जाके दोबारा से उठा हूँ। अंदर बैठ बैठ के कुछ अजीब सा फीलिंग आ रही है, इसलिए बाहर आ गया थोड़ा फ्रेश होने के लिए। किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अरे कोई नहीं, यहाँ कुछ बना है, चाय। वाह, सीरा। तो पहले ना बोलो, तुम बनाना नहीं पहले हलवा, ये सीरे का हलवा तो ये है दोस्तों सीरे का हलवा, जो लग रहा है थोड़ा नीचे, और साथ में बनेगी चाय। ब्लैक टी, मैनी टाइप्स ऑफ टी एंड हलवा। तो गाइस, बारिश अभी भी बहुत तेज़ लगी हुई है, पर इस मौसम में नहाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने, सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, इस बारिश में तो नहाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कुंड की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकदम से फ्रेश हो गया दोस्तों, स्नान हमारा हो गया, बहुत मज़े का स्नान हो गया, पानी ठीक ठाक गर्म था। ओह, जो भी ठंड लग रही थी सारी उतर गई। सोचा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी आज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है और गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम चली हुई है नीचे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि मैं फ़ोन भी नहीं निकाल पाया मज़े लगे भाई, ऐसी बारिश में सबके मज़े होते लगे भाई। ट्रेन टू बुसान, तो दोस्तों ये बात है, आज मुझे नहीं लगता ये शाम तक रुक पाएगी बारिश, जिस हिसाब की स्पीड इसने पकड़ी हुई है, और ब्यास नदी भी काफ़ी थोड़ी मैली सी होगी, लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है ऊपर, और ऐसे भी दिख रहा है ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही, मुझे जाना है डिपो तक सामान लाने, राशन लाने, तो इस बारिश में ही जाना पड़ेगा। तो राशन घर में पहुंच चुका है,
कुछ ज़्यादा सामान नहीं लाया, आटा, चीनी, तेल, लस्सी, जो बेसिक चीज़ें होती है वही लाए। चावल मेरे पास जजमानी के बहुत होते हैं हमारे पास, तो चावल की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। बाकी मौसम अभी भी वैसा, स्टिल वैसा का वैसा बना हुआ है अभी भी जैसा पहले था। काफ़ी बारिश हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद रुक जाए थोड़ी देर में। इस तरफ थोड़ा लाइट सी आ रही है, यानी बादल शायद थोड़े छट रहे हैं। Yes, yeah.